अवैध शराब बिक्री थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में नगर की महिलाओं ने पुलिस सहायता केंद्र का घेराव करके सूचित किया कि नगर में अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई करें, अन्यथा धरना करने के लिए बाध्य होंगे। 15 दिन पूरा होने के बावजूद भी अवैध शराब की बिक्री पर कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद गुरुवार को राहौद नगर की महिलाओं ने हुंकार रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महिलाओं ने पूरे नगर में प्रदर्शन के दौरान सख्त तख्ती और बैनर लिए शराब बिक्री के विरोध में नारेबाजी की। बहुत दिनों से यहाँ अवैध शराब बिक्री हो रहा है, जगह जगह चौक जा रहा हूँ मैं तो। आज हमारे गांव की महिला एकजुट होकर इस शराब बिक्री, अवैध बिक्री के विरोध में पुलिस प्रशासन के ऊपर हल्ला बोल किए हैं, और हमारे सारी महिलाएं इतना उत्पीड़न सह रहे हैं इतने सालों से। जब हमारे यहाँ चौकी नहीं बना था तब थोड़ा कम था यहाँ, लेकिन जब से यहाँ चौकी हुआ है तब से शराब बेचने वालों को ज़्यादा सह मिल रहा है। हम सब ने हमारे पल्लू पे गांठ बांधा है कि हमारे नगर पंचायत को हम लोग स्वच्छ रखेंगे, और बिल्कुल अवैध जो शराब की बिक्री हो रही है उसको बिल्कुल हम लोग होने नहीं देंगे। इस संबंध में हम लोग आज रैली निकाले थे और ज्ञापन दिए गए, उसमें हम लोग का 5 सूत्री मांग भी है, जिसमें हमारा जो अवैध परिवहन आता है, शराब जो लेकर आता है उसमें उस पर रोक लगाया जाए।